मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ के रविवार की आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए आज की आराधना को हम शुरुआत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद स्तुति पात्र परमेश्वर देवप्पा पवित्र प्रभु तुझ्या नावाला आम्ही धन्यवाद देतो। सुंदरशा या दिवसासाठी प्रभु परमेश्वर परत एकदा दयागण देवप्पा तुझ्या विपुल दयेने कृपेने प्रभु परमेश्वर आजचा हा दिवस तू आमच्या जीवनामध्ये जोडलास त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभु परमेश्वर। आणि दयागण देवप्पा ह्या विश्रांतीच्या वाराच्या दिवशी प्रभु परमेश्वर दयगणा तुझ्या नावाला मान महिमा गौरव स्तुती देण्याची ही संधी द्या आम्हा सर्वांना परत एकदा दिलीस त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभु परमेश्वर। दयागण देवप्पा आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभु परमेश्वर तू दिलेल्या प्रत्येक आशीर्वादासाठी दयागण देवप्पा। प्रभु आम्हा सर्वांना तू सहाय्य आणि मदत करतो प्रभु परमेश्वर। दयागण देवप्पा आजचा दिवस पवित्र रीतीने पाळण्यासाठी देवप्पा तू आम्हाला सहाय्य आणि मदत करतो प्रभु परमेश्वर। दयागण देवप्पा आजची आराधना आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो दयागण देवप्पा। ही आराधना दयागण देवप्पा तुला मान्य होऊ दे दयागण देवप्पा। आणि दयागण देवप्पा ह्या सर्व आराधनेतून प्रभु परमेश्वर मान महिमा गौरव दयागण देवप्पा किंवा तुमच्या नावाला मिळू द्या दयागण देवप्पा। जे काही गीत गायला जातील प्रभु परमेश्वर त्याद्वारे तुमची स्तुती होऊ द्या देवप्पा। जे काही वचन द्यावप्पा आम्ही वाचणार आहोत प्रभु परमेश्वर त्याद्वारे द्यावप्पा तो आम्हाला चालू प्रभु परमेश्वर येणारा संदेश प्रभु परमेश्वर आमच्या आत्मिक उद्धाराचा कल्याणाचं होईल असं तू होऊ दे अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभु परमेश्वर। परत एकदा द्यावप्पा आम्ही सर्व द्यावप्पा ही आराधना तुमच्या हातामध्ये देतो द्यावप्पा। ही प्रार्थना विनंती आमच्या धन्यता करणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या पवित्र आणि गोड नावात मागतो म्हणून तुम्ही मान्य करा आमेन। इसमें हम खड़े हो जाएंगे, कलीसिया से विनंती करता हूँ हम खड़े हो जाएंगे और उपासना संगीत से एक गीत गाएंगे। गीत क्रमांक 33 ईश्वराची दया। Oh.
का विश्वास बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतीस पिलातुस के राजसभा में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और मरा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जीवन और अनंत जीवन पर। आमीन। कलीसिया से विनती है, हम अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे। इस समय हम मध्यस्थी की प्रार्थना की ओर जाएंगे। मैं विनती करता हूँ डेविड अंकल से कि हमें मध्यस्थी की प्रार्थना में अगुवाई करें। जो लोग कलीसिया में बीमार हैं उनके लिए विशेष करके प्रार्थना करें, उसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना करें। आइए दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। गत सप्ताह भर आपने हमारी सुधीली, हमारी सहायता मदद की, हर आने वाले सफर मुसीबत से बचाए परमेश्वर पिता। और रात भर मीठी नींद देखिए आज का नया सवर है हमारे जीवन में जोड़ने, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए, आज के सप्ताह दिन के लिए परमेश्वर पिता। आपके पवित्र भवन में जो ऑनलाइन के द्वारा हमने आए हैं परमेश्वर पिता, आपने हमारी सुधीली, हमारी सहायता मदद की, और इस पवित्र भवन में आके आपके नाम की स्तुति में मैं गौरव करने का सुंदर सा मौका दिया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। मांगते हैं परमेश्वर पिता जो ऑनलाइन द्वारा जो इस प्रार्थना में सहभागी हुए परमेश्वर पिता, हरे के साथ हो, हरे के साथ बातचीत कर परमेश्वर पिता। और जो किसी कारणवश आपके इस प्रार्थना में सहभागी नहीं हुए परमेश्वर पिता, उन्हें भी आशीषित कीजिए, हरे की सुधि लीजिए, हरे के परिवार में आपकी शांति बनेगी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपके चरण में आया हूँ प्रार्थना विनती याचना लेकर। इस महामारी के समय परमेश्वर पिता, इस कोविड पैंडेमिक जो चल रहा है परमेश्वर पिता, इसे अपने हाथों में ले लीजिए परमेश्वर पिता। जो दिन ब दिन भयंकर होते जा रहे हैं परमेश्वर पिता, इस कोविड सभी को बचाइए परमेश्वर पिता। जो लोग इस कोविड के कारण अपने प्रियजनों को खो बैठे हैं परमेश्वर, उनके परिवार में भी आपकी शांति दीजिए, उस जगह को आप अपने द्वारा पूर्तता कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि वो किसी प्रकार की कमी महसूस न करे, ऐसा होने दीजिए परमेश्वर पिता। इस महामारी के समय जो लोग प्रतिनिधिशील है परमेश्वर पिता, पुलिस डिपार्टमेंट, कलेक्टर्स डिपार्टमेंट परमेश्वर पिता, और जितने भी मेडिकल स्टाफ लोग हैं परमेश्वर पिता, जो अपना योगदान इस महामारी के समय में दे रहे परमेश्वर पिता, हर एक से बातचीत कीजिए, हर एक के साथ हो लीजिए परमेश्वर पिता, ताकि उनकी सेवकाई में किसी प्रकार की कमी न हो, ऐसा होने दीजिए परमेश्वर पिता। हमारा विश्वास है परमेश्वर पिता, इस महामारी के समय आप सभी के साथ बात करने वाले हो, हमारा विश्वास है। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, इस सुबह के समय आया हूँ प्रार्थना विनती याचना लेकर परमेश्वर पिता। इस वर्षिप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, इस वर्षिप को आप अपने हाथों में ले लीजिए परमेश्वर पिता, इसे पूर्णता होने में आप हमारी सहायता मदद करें, विशेषकर हमारे डी एस आर के लिए प्रार्थना करते हैं, जो पूरा डिस्ट्रिक्ट लेकर चलते हैं परमेश्वर पिता, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, उन्हें मार्गदर्शन कीजिए, हर समय में उनसे बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता, लगने वाली सारी जरूरतें उन्हें प्रदान कीजिए। इसी प्रकार हमारे जितने भी मेथोडिस्ट कलीसिया में जितने विंग्स हैं परमेश्वर पिता, पास्टर कमेटी, पास्टर कॉन्फ्रेंस, उसी प्रकार MYF, MM, WCA, संडे स्कूल, ये सारे विंग्स को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक के साथ आप बातचीत कीजिए, हर एक विंग्स के साथ अपना आप काम करवाइए परमेश्वर पिता। मांगते हैं परमेश्वर पिता हर एक हमारे परिवारों के लिए, परिवार में जो लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता, उन्हें आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनकी छूट की चंगाई देने वाले आप हैं, हमारा विश्वास। उसी प्रकार हमारे रिश्तेदार हमसे दूर अलग अलग देश विदेशों में हैं परमेश्वर पिता, उन्हें भी प्रार्थना में याद करते हैं, उनके साथ भी आप बातचीत कीजिए, उन्हें भी आप सुरक्षित कीजिए।
उसी प्रकार परमेश्वर पिता आज का जो गीत वचन होने वाले हैं परमेश्वर पिता इन सभी को आप आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता, हर एक से बातचीत कीजिए। उसी प्रकार आज जो वचन हमारे भाई एग्रीमेंट सब लेकर आने वाले हैं उनके साथ भी बातचीत कीजिए, वो नहीं बल्कि आप उनके कंठों से बात करने वाले हैं, ये मेरा विश्वास है परमेश्वर। उन्हें आप मार्गदर्शन दीजिए, सारा मान महिमा गौरव आपको देते हैं परमेश्वर। फिर से एक बार इस पैंडेमिक को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, इसे आप पूर्ण तरह से खत्म करने वाले हैं, ये हमारा विश्वास है। मानने से बढ़कर अधिकार देने वाले केवल एक मान परमेश्वर आप ही हमारे, सारा मान महिमा गौरव आप ही को देते हैं। ये छोटी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, इसी के नाम से मानते हैं, सुनो कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु की प्रार्थना बनेंगे हम। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पूरी पर भी हो, हमारी वही पर भी होगी आज हमें दे, और जैसे हमने हमें अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा किया, और हमें परीक्षा में ना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और अक्रम और महिमा सदा का तेरी है, आमीन। धन्यवाद डेविड। इस समय फिर से कलीसिया से विनती करता हूँ कि हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और हम फिर एक बार उपासना संगीत से एक गीत गाएंगे, गीत क्रमांक 102, स्तव तुझा करो दया। Jesus, I'll stop.
विनती करता हूँ, हम अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। इस समय हम आलीबाई के शास्त्र विभाग की ओर बढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं विनती करता हूँ सैमसन ब्रदर्स से कि हमें लीड करें। साम 21 भजन संहिता 21 में हम आलीबाई से पढ़ेंगे और उसके पश्चात सुवंदित होगा। आइए हम इस समय आर्यवाणी का शास्त्र पठन पाठ करेंगे। भजन संहिता 21। हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके अनुरोध को पूरा किया और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने उसे जीवन माना और उसे जीवन दान दिया है। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव अवैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया गया है। तू हमारे समूह उसको हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। तेरा आदर सब शत्रुओं को दूर निकालेगा, तेरा दया सब बैरियों का पता लगा लेगा। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे की नाई जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है, उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वे पूरी न कर सकेंगे। और दूसरा राजा इसका 4:8-37 हम देखेंगे। एक दिन की बात है कि एलिशा शुनेम को गया जहाँ एक कुल स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वहाँ उधर से जाता तब तब वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वहाँ मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम द्वीप पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसे उसी में टिका करें। एक दिन की बात है
कि वहाँ जाकर उस उपरोटे कोठरे में टिका और उसे में लेट गया और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वहाँ उसके सामने खड़ी हुई, तब उसने गेहजी से कहा, इससे कहा कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है तो तेरे लिए क्या किया जाए, क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए। उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए। गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वहाँ द्वार में खड़ी हुई, तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वहाँ अपने पिता के पास लौने वाले के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, आहा मेरा सिर, आहा मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वहाँ उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वहाँ दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की घाट पर लेटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया। तब उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊँ। उसने कहा, आज तो उसके यहाँ क्यों जाएगी, आज न तो नए चांद का और न विश्राम दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गधे पर काटे बांध कर अपने सेवक से कहा, हाँके चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई न करना। तो उस चलते चलते तो वहाँ चलते चलते कर्मेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुँची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वह शुनेमिन है, अब उसने मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और तेरा लड़का कुशल से है। उसने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुँची और उसके पाँव पकड़ने लगी। तब गहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। तब वहाँ कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था, क्या मैंने न कहा था कि मुझे धोखा न दे। तब एलिशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर न देना, क्योंकि मेरी यहाँ छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की माँ ने एलिशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे न छोड़ूंगी। इसलिए वहाँ उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा और न उसमें कोई हरकत हुई। तब वह एलिशा से मिलने को लौट आई और उसको बतला दिया, लड़का नहीं जागा। तब एलिशा घर में आया
तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और युवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपने आँखें उसकी आँखों से और अपने हाथ उसके हाथों में मिला दिया और वहाँ लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वहाँ उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने सात बार छींका और अपने आंखें खुली। तब एलिशा ने घेजी को बुलाकर शुनमिन को बुलाकर बुला ली। तब उसके बुलाने से वहाँ उसके पास आई। तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वहाँ भीतर गई और उसके पाँव पर गिर भूमि तक झुक कर दंडवत किया। फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। पिता परमेश्वर को इस पवित्र पड़े इस वचन पर आशीष दे। आमीन। श्याम सुंदर दाऊद राजा कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्यवाद करता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। हम भी आज परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया है और उसकी स्तुति करने के लिए फिर से एक मौका हमारे जीवन में जुड़ा है। इस समय हम प्रेजेंट वर्शिप की ओर जाएंगे। मैं विनती करता हूँ क्वायर से कि प्रेजेंट वर्शिप को हमें लीड करें। सहारा मेरा तू ही है।
Oh.
क्यों ना हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम को उच्च स्वर से गाएंगे और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे अपने मराठी शिक्षक में से। धन्यवाद यीशुला, गीत नंबर 39 इस गीत को गाएंगे। Thank you.
बसा दे इसके को हम गाएंगे। अपने मार्ग से चला।
प्रार्थना कर लेंगे। हम अपने मनों में तैयारी करेंगे, स्तुति करते हुए प्रभु यीशु मसीह से आपके चरणों पर साथे इस प्रातकालीन समय आपके शब्बात के दिन हम आपकी वंदनाओं का समय मांगते हैं। प्रभु जी, मैं अपने आप को खाली करता हूं, मेरे गुनाह को खुल करता हूं। प्रभु जी, आपने मुझे धोया है, आपने अपने रक्त से मुझे सींचा है, धन्यवाद देता हूँ। और मेरे जुबान से आप हम सबसे बात कीजिए। प्रभु जी, इस वचन को आपको समर्पित करता हूँ, इस गिनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए प्रभु जी, आमीन। आज का जो वचन हमने देखा है वो दूसरा राजा की किताब, इसका 14 अध्याय और 8 से आगे हमने ये वाक्य देखा और हमने बहुत बार इसको पढ़ा भी है, सुना भी है। तो आज ये वचन हमसे क्या बोलेगा, आज हम देखेंगे। एलिशा की ये वाक्या है, एलिशा माउंट कार्मेल, कार्मेल पर्वत पे उसका उनका स्थान था, उनका निवास स्थान था। ये माउंट कार्मेल, ये कार्मेल पर्वत, ये वही जगह है जहां पे एलाइजा, एलिशा का जो गुरु है एलाइजा, इसने बाल देवता को चैलेंज किया था और उस पर्वत पर आग उतर करके एलिशा की प्रार्थना मंजूर की गई थी। यहाँ पर वो रहा करता था, पर उन दिनों में ये जो भविष्यवक्ता थे ये स्थान स्थान पर जाते थे, जैसा प्रभु उन्हें अगुवाई करता था वैसा वहाँ वहाँ जाते थे।
वो चीज़ करते थे, वो चीज़ बोलते थे और वो चीज़ की भविष्यवाणियाँ करते थे। तो जब ये एलिशा यर्दन नदी की ओर प्रस्थान करते थे तो शहर, रास्ते में शहर पड़ता था, उसका नाम शूनेम, ये गांव का नाम है शूनेम, इसलिए उसका नाम पड़ा शूनेमी स्त्री। ये शूनेम में जाते वक्त में ये जो स्त्री थी ये रिच थी, पैसा थी, पर देखा कि उन दिनों में वर्ष लगता बहुत हुआ करते थे, तो उनकी पोशाक होती थी, उनके एक अपना एक रुतबा होता था, एक स्टाइल होती थी, वे सब समझ जाते थे भविष्य होता है। और जब भी वो वहाँ से गुजरते एलिशा तो ये उनको बुलाया करती थी अपने घर में अवगत करने के लिए, उनका मेजबानी करने के लिए, क्योंकि वो चाहती थी कि सेवकों का मान सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, जो प्रभु की सेवा की उनकी सेवा करनी चाहिए। तो अब देखते ही एलिशा जो है नबी तो दिखते थे, और क्यों ना दिखे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना था। पता है जब एलिशा का कार्यकाल समाप्त होने पर था तो परमेश्वर ने एलिशा को चुना था, कहा कि जा अभी यहाँ तेरे बाद उत्तराधिकारी कौन, एलिशा, एलिशा है, तू जा उसका जाके अभिषेक कर। तो एलिशा एलाइजा एलिशा के गांव पर आया, तो तब क्या कर रहा था एलिशा, एलिशा काम कर रहा था, 12 बैल की जोड़ी काम करते, आखिरी जोड़ी में अपने काम करता उसका, और वो भी पैसे वाला था, उसके डैडी को बहुत जायदाद थी, तो वो आखिरी में काम कर रहा था। देखो परमेश्वर है, काम करने वालों को, मेहनती लोगों को चूज करता है, काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था। तो फिर एलिशा बोला कि भाई इंद्रा, परमेश्वर ने तुझे चुना है, तुझे अभिषेक करना है। तो एलिशा बोला जी मैं आता हूँ, मैं रेडी हूँ, है ना। जब भी पुकार होती है परमेश्वर की तब हम तत्पर रहना चाहिए, है ना। सुबह बुला दिया नहीं पड़ता, मुश्किल है ना, देर हो गया तो नहीं, सारी बातें जो है ना, नहीं, जब भी परमेश्वर की पुकार होगी आप तत्पर रहना चाहिए। और एलिशा तत्परता, ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है ना। और इतना ही नहीं, उसने घर के मैं आता हूँ 1-5 मिनट, क्या वो बेटी के मैं मम्मी डैडी को किस करके आता हूँ, बस सब छोड़ना है, अब तुम्हारे पीछे हो लेना है, क्योंकि परमेश्वर ने बुला रहा है। तो एलिशा भी परमिशन देता है, जाकर किस करके आता है। आने के बाद ये क्या बताता है, ही हैज अ कंसर्न, अपने माता पिता का कंसर्न है, अपने माता पिता का प्रेम है, घरेलू संबंध है, उसको घरेलू ताल्लुकात है, इसके बावजूद भी वो छोड़ रहा है, और उसकी रेस्पेक्ट करके वो परमेश्वर के रास्ते में, परमेश्वर के राह पर निकलना चाहता था। पर क्या करा उसके बाद, उसने वो जो योग जिसके ऊपर बैल नांगर थे, हल जो जिसको हल बोलते, तो हल को तोड़ा और एक बछड़े की बलि चढ़ाई और उसका पकवान करके वो सबको वहां पे पार्टी दी। क्यों, परमेश्वर ने मुझे बुलाया, क्यों परमेश्वर ने मुझे सेलेक्ट किया, इसके बाद में ये हल का मुझे काम नहीं, खत्म, इसको जला दिया उसका, और उसका पार्टी बना दिया। नो टर्निंग बैक, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, ना लौटूंगा। अब परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मुझे चलना है परमेश्वर के रास्ते पर, अब मुझे वापस ये काम नहीं करना है, है ना। फॉरगेट अबाउट ले पीपल, बहुत सारे मिनिस्टर्स है जो रास्ते में आने के बाद भी अपना वो जुआ अब तक नहीं छोड़े। बहुत लोग है, इवन मिनिस्टर्स है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स है, बिशप्स है, हमारे एनसीआई के अंदर एक बिशप मुस्लिम कन्वर्ट बिशप बने, बिशप से रिटायर हुए, फिर से मुस्लिम बन गए, जुआ फिर से वापस, है ना। तो एलिशा उनमें से नहीं है, वो वापस आना ही नहीं चाहता, खत्म, यहां से मेरा ये जो सांसारिक जर्नी खत्म, यहां से आगे जो परमेश्वर बोलेगा वो करूंगा, जहां परमेश्वर मुझे भेजा मैं जाऊंगा, एलिशा मुझे जहां ले जाएगा मैं वहां जाऊंगा। ये था एलिशा।
और एलिशा को देखते ही फिर ये स्त्री जो है उसको अवगत करती थी और उसने कहा कि अपने पति से कि देखो जी ये जो मनुष्य है ये हमको पवित्र जान पड़ता है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक छत पर एक इनके लिए कोठरी बनाएंगे, एक चारपाई लगाएंगे, एक टेबल लगाएंगे, एक चेयर लगाएंगे और एक दीवट लगाएंगे ताकि जब भी वो यहाँ से गुजरे तो हमारे घर में ठहरे, हम इसका अवगत करें, हम इसकी मेजबानी करें, क्योंकि ये परमेश्वर का पवित्र भक्त लगता है। और उस एलिशा के चेहरे पे तेज क्यों ना रहे, क्योंकि एलाइजा के ये दुप्पट अनाइंटिंग पाया था एलाइजा ने, उसने कहा जिद पकड़ के कि तू जितना किया जितना तेरे अनाइंटमेंट का उससे डबल मुझे दे, ये इस प्रकार का जिद्दी स्वभाव था और उसके ऊपर परमेश्वर ने दिया है डबल अनाइंटमेंट दिया है, तो इसके चेहरे पे लोग इसके चेहरे पे वो रूहानी चेहरा देख करके ये परिवार समझ गया उसको रहने के स्थान आ, जब भी वो यहाँ से गुजरेगा सुनेम से तो वो वहाँ पे ठहरा करता था। तो एक दिन जब वो ठहरा था उनके यहाँ पे तो एलिशा जो है उसका जो शागिर था गेहाजी असिस्टेंट उसका, उसने कहा कि एलिशा बता है कि भाई हरदम ही बेचारी स्त्री जब हमारा इतना अवगत करती है इसके लिए हमने क्या किया। जो सच में भक्त होते हैं है ना, अपने अपने जो उनकी सेवा करते हैं उनका भी उन्होंने ध्यान रखते हैं, सबका रखते ही रखते हैं, लेकिन वो खास उनका ध्यान रखते हैं जिनका जिन्होंने उनके लिए कुछ किया। इसलिए जब भी हम भक्त के लिए परमेश्वर दास के लिए हम जो करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा प्रियो, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो ये एलिशा भी बोला कि अपने गेहाजी से बोलता है कि हम इस स्त्री का जो मेहमान बनते हैं हरदम है ना, इसके लिए हमने क्या किया तो हम जरूर उसको कुछ करना चाहिए है ना। तो स्त्री को बुला, तो बुलाया गया, स्त्री बिचारी दरवाजे पर ठहरी, तो एलिशा बोलता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, तू इतना मेरे सेवकाई करती है, मेरे अवगत करती है, मेरी मेजबानी करती है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी तेरे लिए कुछ करूँ, मैं क्या कर सकता है तेरे लिए, राजा से कहूँ, क्योंकि उन दिनों भविष्यवक्ताओं के राजा से बहुत संबंध हुआ करते थे, क्यों राजा से कह के तुझे कुछ चाहिए प्रेफरेंस मैं बात कर सकता हूँ, कमांडर से तेरे कोई तकलीफ है मैं कमांडर से बात करके तेरा प्रोडक्शन की बात करता हूँ, तो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे सौभाग्य है कि तुम हमारे पास में आकर के खाना खाता रहता है, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है बस। तो उसका जो शागिर्द है गेहाजी ये बड़ा हर चीज की मालूमात रखता है, तो उसने बताया कि हुजूर ये स्त्री को है ना सब कुछ है पर एक कमी है इसकी, इसको पुत्र नहीं है, और पुत्र नहीं है लेकिन इसका हस्बैंड बूढ़ा है, गेहाजी और हम में ज्यादा फर्क नहीं है ना, हम प्रॉब्लम बोलते हैं हमारा और उसमें अड़ंगा भी डालते हैं। गेहाजी बोलता है कि इसका प्रॉब्लम क्या है कि इसको बेटा नहीं है, इसको बेटा चाहिए लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका हस्बैंड बूढ़ा है, फिर है ना ये फितरत होती है गेहाजी की तरह है ना, बेलानगर में लैंड तो हो गया आप कुछ नहीं होता, आप नहीं बनता है, ये जो स्पिरिट है हमारे में आती है, पर ये शैतान की से हमारे पास आती है और यह है कि उसका शिकार हेलो, तो गेहाजी भी उसी तरह से कहा कि भाई इसका प्रॉब्लम तो ऐसा है इसको हम दे सकते हैं लेकिन उसमें प्रॉब्लम है कि हस्बैंड बूढ़ा है। तो एलिशा ने बताया कि अगले साल वसंत के ऋतु में तेरे छाती से एक बेटा होगा है ना। उसने कहा कि गुरुजी आप मेरा मजाक तो नहीं ले रहे, मैं बूढ़ी मेरा हस्बैंड बूढ़ा है ना,
जरूर खेद है हमको बचा नहीं, लेकिन ऐसा मजाक की बात मुझे मत कर पर तो बोला कि क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा निकली थी। परमेश्वर ने कहा था कि तेरे अगले साल एक पुत्र होगा और उसी तरह से अगले साल उसको सचमुच एक बेटा हुआ और परमेश्वर की आशीष मिली, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया। परमेश्वर अपने भक्तों से वादा करता है, अपने भक्तों से बोलता है। तो उसको बेटा हुआ और बेटा बड़ा भी हुआ और एक दिन अपने डैडी के साथ हार्वेस्ट खेती खलिहान में गया। वहाँ पे उसको जोर सर दर्द हुआ और उसका डैडी बताया कि भाई माँ के पास ले जाओ, यहाँ पे काम चल रहा है। तो वो माँ के पास ले आया गया और उसके माँ के गोद में वो अपना दम तोड़ देता है। प्रियो, ये औरत ही समझ सकती है जिसको जो बांझ थी, जिसको अपने बुढ़ापे में पुत्र हुआ और उसके गोद में उसका बच्चा दम तोड़ रहा, दम तोड़ दिया। वो क्या की इमीडिएटली जो एलिशा के खाट पर उसको लिटाई, दरवाजा बंद करके और मैसेज भेजिए अपने हस्बैंड को कि भाई मेरे को एक गधे का गधा भेज दो, मुझे इमीडिएटली है ना एलिशा के पास जाना है। तो हस्बैंड को बता ही नहीं कि बेटा मर गया। हस्बैंड बोल रहा है कि अभी आज सब्बात का दिन भी नहीं है, आज नया चांद भी नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, आज कैसे क्या एलिशा के पास जा रही है। वो कुछ नहीं बताई, मुझे बस चाहिए। और वो अपने गधे पे बैठ के वो चलाने हाँकने वाले को बताई कि इसको कंटिन्यूस हाँकना जब तक मैं ना बोलूं, तुरंत मुझे है ना एलिशा के पास जाना है। क्योंकि वो खेद इतना था, एक तो माँ नहीं बनती तो अलग बात थी, माँ बनी वो भी गए पर एलिशा के जरिए से, एलिशा की प्रार्थना से, एलिशा के वचन से, हालांकि परमेश्वर ने कहा एलिशा के थ्रू। और जब पुत्र हुआ, जब बड़ा हो गया और उसके गोद में दम तोड़ा, तो वो बहुत व्याकुल थी, तुरंत मुझे एलिशा के पास जाना है। करीबन सुनेम और माउंट कार्मेल, कार्मेल पर्वत जहाँ पे एलिशा रहता था, करीबन एक 30 किलोमीटर का फासला है। सुनेम जो है पूरब की साइड में है और कार्मेल पर्वत ये पश्चिम की ओर है जहाँ पे मेडिटेरियन सी है और यर्दन नदी के पास में सुनेम। और ये तुरंत गई और जाने लगी तो दूर से है, दूर से एलिशा ने देख लिया कि यार ये सुनेम की स्त्री अपने पास आ रही, कुछ सब कुशल मंगल तो है, इतनी दौड़ी दौड़ी आ रही है। तो गेहाजी जाता है, पूछता है अभी सब कुछ कुशल मंगल है, तेरा बेटा, तेरा हस्बैंड? तो उसको बोलती है हाँ कुशल मंगल है ना। उसको लगा इसे क्या बात करे है ना, मेरी शिकायत तो इससे है, वो परमेश्वर के दास से, उसने कहा मेरे को बेटा हुआ और उसने और परमेश्वर ने वो पुत्र को छीन लिया, मेरा जो है किससे शिकायत है, एलिशा से शिकायत। पर इसको बता दी कि भाई सब ठीक है। और जैसे एलिशा के पास आई, उसके चरणों में पड़ के वो रोने लगी, क्या मैंने तेरे से पुत्र मांगा था? नहीं ना, कि तूने दिया मुझे पुत्र और तू आज परमेश्वर ने उठा लिया। वो जोर से पकड़ने लगे तो गेहाजी क्या करा, उसको जोर से ढकलने लगा कि उन दिनों में के अंदर में परमेश्वर के भक्त को भविष्यवक्ता को छूना इतना मजाक नहीं था, मतलब कितनी आसान बात नहीं थी। एक बार एलिशा को अरेस्ट करने के लिए राजा ने, सीरिया के राजा ने फौज भेजी वो पर्वत के ऊपर और पूरे घेराव से। गेहाजी चिल्लाने लगा, हुजूर ये पूरे लोग अब आ गए, हथियार लेकर आ गए, पूरी सेना आ गई, अब कैसा? एलिशा बोलता है कि तुझे दिख नहीं रहा। परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर इसके आगे खोल दे। तो परमेश्वर ने गेहाजी के आगे खोल दिया तो इनके चारों तरफ फरिश्ते फायर के चैरियट में यानी आग के रथ के ऊपर सवार इनके प्रोटेक्शन में बैठे ठहरे आ गए। तो एलिशा पूछता है गेहाजी को, अब डर लग रहा तुझे? नहीं प्रभु, मेरा भी डर है। आप कहीं का डर है? तो किसी को भी सेना लेकर के भी भक्त के पास में आना इतना आसान बात नहीं था, उसको छीना ये पकड़ के छू रही है ना।
एलिशा के जो गुरु थे एलाइजा, इनके दौर में भी ऐसी बात हुई थी। उनके दौर में राजा ने भेजा 50 लोगों की, भाई इसको अरेस्ट करके आओ। वो गए 50 लोग, तो एलाइजा ने कहा कि ऊपर से आग बरसे, भस्म हो जाओ, 50 के 50 लोग एकदम खत्म, आग बरसा समाप्त। फिर राजा ने कहा दूसरे 50 को भेजा, भेजाओ उसको अरेस्ट करके लाओ, वो क्या हो गए, चले गए। दूसरे 50 गए, एलाइजा ने कहा कि ऊपर से आग बरसे, आप भस्म हो जाओ, भस्म हो गए। परमेश्वर भक्त को पकड़ने आए, छूने आए, मजाक नहीं था ना, आसान बात नहीं थी कोई भी प्रॉब्लम। इवन नामान भी जब आया था एलिशा के पास में, तो बाहर से भेज दिए, जा वो यरदन नदी के साथ ही लगा, आके बात भी करना नहीं हुआ, पकड़ने की तो दूर की बात है। ये अपने एलिशा को पकड़ रही थी, तो गैसी उसको हटाने की कोशिश कर रहा था। फिर एलिशा कहा कि देख नहीं रहा वो कितनी व्याकुल है, उसको बोलने दे, अपना दर्द बोलने दे। और उसने कहा कि मैंने मांगी नहीं थी बेटा, तूने मुझे दिया है, और फिर परमिशन को लिया, तेरा क्या योजना है, मुझे वो कुछ नहीं चाहिए, तुम चलो अभी और मुझे, और उसको विश्वास भी था, तुम चलो और मुझे कि नहीं मेरा बच्चा वापस, करेक्ट। तो एलिशा थोड़ा सा कंफ्यूज रहा, क्योंकि ये वाक्य हर चीज परमेश्वर उनको बताता था, पर ये चीज उसने बताया ना, उसने खुद कहा कि परमेश्वर ने मुझसे कुछ नहीं कहा, परमेश्वर हर चीज उसको कहते। अब सीरिया के राजा के जो इसराइल पे जब लड़ाई करते थे, तो एलिशा पूरा उनके उन्होंने क्या बात करते थे, उधर क्या टाइम होता था, यहाँ के राजा को बता देता था। वहाँ उनके राजा ने प्लान करा कि भाई पूरब से हम चुपके से अटैक करेंगे और इनको कब्जे में कर लेंगे, तो फिर एलिशा को मालूम हो जाता था, इसराइल के राजा को बता देता ये लोग इधर से आ रहे, तो ये लोग सब जाके पूरब से रेडी, उनका अटैक फेल। उन्होंने बोले कि भाई राजा प्लान करता है, अपने कि नहीं नॉर्थ से जाएंगे, तो जैसे उन्होंने प्लान करते बात करते, ये यहाँ पे एलिशा को मालूम हो जाता था, वो राजा को बोल देता अभी नॉर्थ से आ रहे लोग, तो इनकी पूरी सेना नॉर्थ पे, वो जाकर अटैक करना चाहते फेल हो जाता। तो राजा परेशान हो जाता है, यार मैं जो प्लानिंग करता है ये लोगों को कैसे मालूम होता, अपने में से कोई तो भी गुप्तचर है, कोई तो भी स्पाई है, ये जाके मैसेज दे रहा। तो उनका जो सेनापति था उन्हें बताया कि हुजूर ये वैसा नहीं है, अपने में से कोई भी बगावत नहीं कर रहा, उनके पास एक भविष्यवक्ता है, यहाँ जो तुम बोलते उसको मालूम होता है ना, परंतु यहाँ पे जो ये स्त्री का जो बेटा मर गया, परमेश्वर ने उसे बताया नहीं था, इसलिए थोड़ा सा ये मालूम नहीं था इसको। और वो रोने दिया, सुना, ठीक है, अब क्या बोल सकते, गुजर गया। तो उसने क्या किया, अपना छट लिया एलिशा ने, गेहजी को कहा कि भाई तू यहाँ से सीधा जाने का, रास्ते में रुकने का नहीं, रास्ते में किसी को हेलो बाय नहीं करने का, रास्ते में किसी को प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलने का, ना कोई बोले तो उत्तर देने का, तू सीधा जाने का और ये लकड़ी जो है ना बच्चे के मुख पे रख देना, क्योंकि उसको मालूम है ये जो गेहजी है ये चंचल मन का है, इसका मन चंचल है। नामन ने जब गिफ्ट लाया था तो क्या करा, इसका मन चंचल जाने के बाद वो गिफ्ट लेकर आया, और लाया तो लाया अपने ऊपर, एक ने रोग भी ला लिया, नामन का जो रोग है उस रोग को अपने ऊपर ला लिया, ये जो गेहजी है। तो उसको मालूम है, क्योंकि हम जो है ना हमारा जो फोकस जनरली हम परमेश्वर के वचन पे नहीं करते, इसलिए हमको फोकस करने की जरूरत है। एलिशा को मालूम है कि ये गेहजी है, ये फोकस नहीं कर सकता, इसलिए उसको खास ताकीद देकर भेजा कि भी तू रास्ते में जाते हो किसी से ना मिलना, किसी को खुशहाल मंगल नहीं पूछना, ना कोई तेरे पूछा तो तू जवाब देना, तेरा फोकस है कि तू सीधा जाना है और उसके ऊपर अपना ये जो मेरा स्टिक है या मेरी लकड़ी है उसके ऊपर रखना है। गया गेहजी, जैसा मालिक ने बताया वैसा गया, पर उसने जा करके रखा, कोई रिजल्ट नहीं, वापस आ। कई बार हम ऐसे हैं, हमको जो कहा गया प्रार्थना करो तो तुमको मिलेगा, हमें को प्रार्थना कर नहीं मिला, वापस हम कोई चीज मानते नहीं मिला, वापस, पर वो वापस आया। लेकिन ये जो स्त्री है एलिशा को पकड़े धरी रही, अभी के अभी तुम मेरे साथ चलो, वो गया जिसे नहीं होगा,
तो फिर एलिशा वहां से उठकर के आया, वो बालक के कमरे में गया, कमरा बंद किया उसने, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए था कि परमेश्वर हर चीज इनको बताता था परंतु ये चीज उसने नहीं बताया। परंतु एक चीज तय थी कि ये परमेश्वर ने दिया है तो परमेश्वर नहीं लेगा, इतना विश्वास था उसका। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की, तो पहले उन्होंने मुंह से मुंह लगाकर हाथ में हाथ लगाकर उसके ऊपर पसर के उन्होंने प्रार्थना की। हालांकि थोड़ा सा उसका जो बदन है गर्म होने लगा पर जी नहीं उठा, फिर वो टहलने लगा, सोचने लगा कि ऐसा कैसा है ना, परसिस्टेंस, इसको परसीवरेंस कहते हैं, उसके पीछे टहलते रहे, सोच रहे कि ये परमेश्वर जब दिया है तो इसका ये वापस लेना संभव है, ये तो ये जीवित होना ही होना है ना। तो आज हमको बेला नगर की जो जगह मिली ये भी परमेश्वर ने दिया, इसकी अजीब विटनेस है, परमेश्वर ने हमको दिया है और यहाँ पर परमेश्वर का भवन बनेगा और जरूर बनेगा। हमको छोड़ना नहीं है पर उसको परसीवरेंस बिल्कुल लगे रहना है क्योंकि परमेश्वर का भवन बन रहा है ना। तो यहाँ पे उसी तरह से एलिशा जो है फिर थोड़ा सा टहला और टहल के फिर से उसने बसे के परस पसर गया और फिर प्रार्थना की, फिर देखते हैं उसके उसका बदन में जी वो जान आई और जी उठा और उसने उसको उठाया और अपनी माँ को सौंप दिया, ये देख तेरा बेटा। जो परमेश्वर देता है ना प्रियो, वो परमेश्वर जब दिया है तो दिया है, और इसने मूर्ति में से इसको जिलाया भी दिया परमेश्वर ने और आगे चल के इसकी सुरक्षा भी की, क्योंकि आने वाले समय के अंदर में 7 साल का अकाल पड़ना था। तो एलिशा ने मैसेज भेजा कि देख ये तेरे एरिया के अंदर में 7 साल का अकाल पड़ना है, तो यहां से चली जा अपने सुरक्षित स्थान पर, क्योंकि जो बेटा तेरे को दिया गया परमेश्वर की ओर से है वो खतरे में न रहे, वो बचा रहे। उसी तरह से अपने बेटे को लेकर फिलिस्तिया चली गई 7 साल के बाद, 7 साल तक के जब तक अकाल खत्म नहीं होता वो फिलिस्तिया में रही और फिर बाद में 7 साल के बाद में वो वापस अपने सुनेम को वापस आई। जब परमेश्वर देता है तो लेता नहीं है, उसकी सुरक्षित करता है, उसको सुरक्षा देता है। आज के जो वचन हमको कह रहा है, जिस तरह से गिहाजी है उस तरह से नहीं, परंतु जिस तरह से एलिशा है, एलिशा जो है उस तरह से हमको रहना है। और जब एलिजा के साथ था तो वही उसके पास परसीवरेंस कितना है, परसीवरेंस एलिशा के पास, एलिजा के पीछे पीछे चला और उसके पीछे लगा, तेरे जितना भी अभिषेक है ना उसका डबल मुझे चाहिए। तो एलिजा टालता रहा, वो पहले गया वो बेतल में गया, बेतल में मुझे वहां चलो, तो उसके पीछे वहां पर बेतल में नहीं, वहां से मुझे परमेश्वर ने कहा कि जेरिको जाने के लिए, वो उसके पीछे जेरिको चला गया। तो एलिशा कहा कि मेरे को परमेश्वर ने जा यरदन नदी पर बुलाया, यरदन नदी की ओर उसके पीछे बेतल हुआ, जेरिको हुआ, यरदन नदी हुई, उसके पीछे रहा, जिद से पीछे लगा, जितना अभिषेक तुझे मिला उसका डबल मुझे चाहिए। उसी तरह से प्रार्थना भी जब किया कि ये परमेश्वर का दिया है तो ये परमेश्वर इसको जिलाना ही जिलाना है। तो हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जीवनों में हम ये चीज करना है, परसीवरेंस हमारा। और शैतान का प्रयोग एक एक चाल है डिस्करेज करना है ना, हमारे जीवन में डिस्करेज लाता है। शैतान की चाल है हमारे जीवन में कि डाउट ले आता है ना, सुख में पहला अगर से पाप हुआ है तो वो डाउट है। हवा जा रही थी तो शैतान ने क्या बोला कि ये क्यों नहीं खाती, नहीं नहीं परमेश्वर ने कहा कि ये खाए तो उस दिन मर जाओगे, नहीं नहीं परमेश्वर ने झूठ बोला है, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। अच्छा ऐसा, ये क्या है, डाउट है, जो परमेश्वर ने कहा वैसा नहीं है, अच्छा मतलब डाउट है, फेथलेसनेस ना, अविश्वासीपना को पहले कि नहीं प्लांट करता शैतान, फिर दूसरा डिस्ट्रेस फ्रस्ट्रेट करता उसको,
हम जीवन के अंदर में बहुत सारे हमारे तकलीफ देखते हैं, अभी हम कोविड देख रहे हैं, फिर हमारे घर में किसी का देहांत हो जाता है, हमारे घर में तकलीफ आती है, हमारे घर ये सारी चीज देखते हैं, पर कभी कभी हम उसको दूसरा बाजू नहीं देखते। इतनी सारी चीज परमेश्वर ने दी है, वो उसको हम नजरअंदाज नहीं करके हम कॉन्सेंट्रेट किस पे करते हैं, जो चीज हमको नहीं मिली शैतान उसकी ओर ले जाता है ताकि हम डिप्रेस हो जाए, है ना। तो ये डिप्रेशन, और तीसरा शैतान की और एक चाल है, एक तो फिर बहुत देता है, बहुत देता है, तो हम समझते नहीं हम क्या करें। तो हम कहते हैं जिंदगी क्या है, खाओ पियो ऐश करो, है ना। तो परमेश्वर कहता है कि आज तेरा आत्मा तुझसे निकल जाए तो तू कहाँ रहेगा, है ना। तो हम खुशहाली के अंदर में हम बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। तो ये सारे शैतान की जो मंसूबे हैं, ये हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, जिसने शैतान को समझा वो अच्छी तरह से परमेश्वर को समझा है ना। और वो अपने पास कैसा आता है, वचन लेकर आता है। यीशु मसीह को क्या कहा कि देख ऐसा ऐसा लिखा है, और हमको एक ने वचन से जो उसको आंसर देना है ना। यीशु मसीह ने कहा कि वचन में ऐसा भी लिखा है, डायमंड को डायमंड ही काटता है, दूसरा चीज नहीं काट सकता। परमेश्वर का वचन डायमंड है, परमेश्वर काउंटर करना है तो परमेश्वर का वचन ही होना चाहिए, हम अपने दिमाग से उसको काउंटर नहीं कर सकते। तो प्रियो, हम गिहाजी की तरह से फोकस लेस और पैसे का लो, अरे नामन जो की नामन करने से जो पैसा लिया बहुत गलत किया उसने। जब भी हमारे चर्च के अंदर में जो आता पैसा, ये परमेश्वर का पैसा है ना, इसको अगर से हम गलत नजर से देखें और अपने बेनिफिट के लिए देखें तो हमारे ऊपर श्राप है। और गेहाजी को क्या श्राप मिला, गेहाजी कुछ नहीं, लेकिन गेहाजी को कहा गया कि ये जो कोड है नामान का तेरे ऊपर आएगा, इतना ही नहीं तेरी पीढ़ी को आएगा, समझ रहे हो। तो गेहाजी की तरह से नहीं, हमको बहुत खुशहाल रहना पड़ता, वचन से शैतान का सामना करना पड़ता है। एलिशा के जैसा परसिवरेंस, अपने विश्वास में सुदृढ़ रहना चाहिए। परमेश्वर करे हम सबको एलिशा जैसा अनॉइंटमेंट दे, एलिशा जैसा विश्वास दे, एलिशा जैसा परसिवरेंस दे, ताकि हम उसके राज को और पाए। परमेश्वर करे हम सबको आशीष दे, आमेन। थैंक यू क्लीमेंट्स सर, सुंदर संदेश के लिए और इस आत्मिक मार्गदर्शन के लिए। कुछ नोटिसेस है, रविवार की आराधना सुबह से ठीक 9:30 बजे ऑनलाइन होगी, जब तक नया SOP नहीं आता है गवर्नमेंट का। उसी तरह रोज शाम 7 से लेकर 8 बजे तक गूगल मीट का आयोजन चर्च द्वारा किया जा रहा है। सो आप सभी से विनंती है कि आप सब लोग इसमें शामिल हो और आशीषित हो जाए। उसी साथ में अपने जो मंथली सब्सक्रिप्शन है और जो भी अपने भेंटे हैं वो आप चर्च में नियमित रूप से दें। इस समय हम ऑफरिंग की ओर जाएंगे और उपासना संगीत से गीत गाएंगे, गीत क्रमांक 508, अर्पितो प्रभु। Oh,
इसके पश्चात हम मंगला प्रेमला ये गीत गा के हमारी भक्ति का स्टॉप करेंगे। अयस भेंट पर हम आशीष मांगेंगे। स्तुति स्तुति करते प्रभु यीशु मसीह, आपके चरण वस्त्र से एक बार आते हैं इस भक्ति में, आपके वंदना पास महिमा करते हैं। प्रभु जी आपने जो कुछ दिया उसमें से हमने एक आपको वापस एक भेंट दी है, इसे आप कबूल कीजिए। ये भेंट नहीं परंतु इसके साथ हमारे हृदय को आपको अर्पित करते प्रभु जी, ताकि जिस तरह से आपने एलिशा को अनॉइंट किया था, हम सबको अनॉइंट करें प्रभु जी, मसा करें। आपका तेज हम के जरिए, हमारे जरिए औरों तक औरों को दिखे प्रभु जी से प्रार्थना, इस एलिशा की प्रार्थना करते और पास मान के लिए प्रार्थना करते और भेंट को फिर से एक बार आपको सम्मिलित करते, इससे आपकी बढ़ाई आपके राज्य की बढ़ाई के लिए भी हुआ, इसे प्रार्थना है। सारी बातें सारी बार हम सभी की समस्या हम आपके पास लाते, हर एक में आपकी इच्छा पूरी हो जी, हर हाल में हर सूरत में हर परिस्थिति में शैतान का पराजय प्रभु यीशु मसीह के आराधना जय स्मृति को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए प्रभु कीजिए। आमीन। जय मसीह के समीप हो।